हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। तो दोस्तों, अभी आप जो गाड़ी देख रहे हैं किया सेल्टोस STK प्लस का वेरिएंट है, पेट्रोल में आता है दोस्तों। एंड दोस्तों, यही वेरिएंट आपका डीजल में भी आता है। सो बात की जाए इस गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी आपकी BS6 सेकेंड फेज पे आ चुकी है गाड़ी दोस्तों। ये सेकेंड फेज वाला मॉडल अभी आप देख रहे हैं जो प्रेजेंट में खड़ा है। एंड दोस्तों, इसकी अगर बात करते हैं कलर की, तो ये दोस्तों आपका है वाइट कलर, यानी पर्ल वाइट में दोस्तों ये वेरियंट आपको मिल जाता है। सो इसके अगर प्राइस की बात करें ऑन रोड, ये दोस्तों आपको पड़ती है अराउंड 14.5-15 लाख रुपये की ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी। एंड जो पर्टिकुलरली वेरिएंट अभी आप देख रहे हैं STK प्लस है, एंड ये मैनुअल में आता है दोस्तों। सो बात की जाए दोस्तों इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की, सो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस टाइप का आपको उसमें मिल जाता है। काफ़ी चौड़ी लगती है गाड़ी, देखने में अच्छी लगती है, एंड अभी तक दोस्तों सबकी फेवरेट गाड़ी है। सो इसकी अगर विड की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको मिल जाती है 1800 mm की इसकी विड मिल जाती है, यानी अच्छी खासी चौड़ी है दोस्तों ये गाड़ी। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो दोस्तों बीच में आपको देखो किया का लोगो मिल जाता है। एंड दोस्तों, ये आपको ग्रिल मिलती है, ये इसकी टाइगर नोज ग्रिल है जो किया की बहुत फेमस ग्रिल है, टाइगर नोज ग्रिल। एंड जो उसकी बात करते हैं, ये जो आपको मिलते हैं ये आपका सिल्वर पार्ट का मिलता है। एंड इससे अगर आप एक ऊपर वाला वेरिएंट रहेंगे ना, तो दोस्तों उसमें आपको पूरा क्रोम के ऐसे पार्ट मिल जाते हैं। नीचे आपको दोस्तों ग्रिल मिल जाएगी मैट कलर की। एंड अगर दोस्तों साइड में आते हैं तो यहाँ की तरफ आप देख लीजिए, ये आपके दोस्तों रहेंगे रनिंग DRLs, एंड ये आपके रहेंगे टर्न इंडिकेटर। अगर लाइट सेटअप की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको इसमें प्रोजेक्टर में लाइट सेटअप मिल जाता है विद हैलोजन के साथ। एंड नीचे दोस्तों आपको फॉग लैम्प की बात करें, तो फॉग लैम्प आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर में। एंड ये भी आप जो उसका थ्रो आएगा वो पीले कलर का थ्रो आएगा, एंड ये इसकी ब्लैक कलर की क्लैडिंग आती है दोस्तों। सो फ्रंट कुछ इस टाइप का रहेगा, फ्रंट में आपको कैमरा मैमरा एंड पार्किंग सेंसर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। मैं 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सो फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी गाड़ी की, एंड बड़ी सी लगती है इस टाइम। अभी आप जैसे देख रहे हैं ना गाड़ी, तो दोस्तों काफ़ी बड़ी सी गाड़ी लग रही देखने में, एंड गाड़ी हैवी दोस्तों काफ़ी शानदार। सो साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, जो आपको इसकी लेंथ मिलती है वो मिलती है दोस्तों आपको 4315 mm की लेंथ मिल जाएगी। एंड वहीं दोस्तों इसकी हाइट की बात करते हैं, तो हाइट आपको मिल जाती है 1620 mm के, 1620 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाएगी। एंड व्हील बेस की बात करें दोस्तों, तो आपको 2610 mm का इसमें व्हील बेस मिल जाता है। सो काफ़ी शानदार है गाड़ी देखने में। टायर साइज़ की बात करें दोस्तों, तो आपको इसमें दोस्तों 205/65R16 का टायर साइज़ मिल जाता है। एंड फ्रंट में दोस्तों आपको कंपनी डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। सो जो फ्रंट में आपको सिल्वर कलर के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, एंड सस्पेंशन दोस्तों कुछ इस टाइप से रहेगा इस गाड़ी का। एंड दोस्तों, ये ब्लैक कलर की क्लैडिंग है, ये आपको पूरी गाड़ी में क्लैडिंग मिल जाती है। सो साइड में आएंगे, रियर व्यू मिरर की बात करेंगे, इसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ये आपको फोल्डेबल आते हैं, ऑटो फोल्डेबल ये आपको मिल जाते हैं दोस्तों। एंड ड्राइवर साइड में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, यहाँ दोस्तों आपको ब्लैक कलर की ये पट्टी मिल जाएगी। सो आप जो बाद में या तो आप कंपनी के थ्रू या आफ्टर मार्केट इसमें क्रोम लगा सकते हैं। एंड ऊपर आपको रूफ रेल्स वगैरह सब मिल जाएंगी। सो साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप की रहेगी। सो दोस्तों बात करते हैं इसके अगर रियर टायर की, तो उसमें भी आप डिस्क ब्रेक ऑफर करती है कंपनी, क्योंकि BS6 से कुछ नए नॉर्म्स आए हैं या उसमें ऐसी कंडीशन रखी गई है कि आपको आप गाड़ी के चारों टायर में डिस्क ब्रेक देना कंपलसरी हो गया है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं इसका क्वार्टर पैनल काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की, आपके सामने इसकी बैक प्रोफाइल है, काफ़ी शानदार लगती है बैक प्रोफाइल में। यहीं दोस्तों बात करते हैं इसके सेंटर में, किया का लोगो मिल जाता है, यहाँ आपको सिल्वर का पार्ट मिल जाएगा। अगर इससे एक मॉडल ऊपर रहते हो तो दोस्तों आपको एक क्रोम का पार्ट मिलेगा, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लाइट, सार्फिन एंटीना। एंड दोस्तों टेल लाइट सेक्शन की बात करते हैं, तो आपको पूरे बल्ब में मिलते हैं, इसमें आपको नॉर्मल जो पूरा जो सेटअप मिलेगा बल्ब में मिलेगा, LED में आपको टेल लाइट सेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ आपको सेल्टोस की बैजिंग लिखी हुई मिल जाएगी, यहाँ दोस्तों आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। पार्किंग सेंसर की बात करते हैं, तो आपको इसमें 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। एंड बैक प्रोफाइल तो काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। चलिए बूट स्पेस की बात करते हैं, कितना आपको बूट स्पेस मिल जाता है इस गाड़ी में। का टेल गेट ओपन हो जाएगा। एंड बात की जाए दोस्तों, तो ये आपकी पार्सल ट्रे है, जो काफ़ी बड़ी पार्सल ट्रे है, मतलब अच्छी खासी पार्सल ट्रे दी गई है। एंड ये है दोस्तों आपका बूट स्पेस। बूट की बात करें दोस्तों, तो आपको इसमें 433 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहीं दोस्तों आपको एक लाइट की प्लेसमेंट मिल जाती है, कुछ इस टाइप से आपकी इसकी लाइट की प्लेसमेंट रहेगी। उसके स्पेयर व्हील की बात करते हैं, तो 205/65R16 यानी सेम साइज़ का आपको उसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा, बट ये आपको मिलेगा स्पेयर स्टील व्हील रिम है। सो कुछ इस टाइप का इसका रहता है बूट स्पेस। सो काफ़ी अच्छा से मेंटेन किया गया बूट स्पेस को। यहाँ आते हैं दोस्तों, तो आपको देख लीजिए, आपको बिल्कुल ब्लैक कलर का इसमें आपको डोर पैनल मिल जाता है। ये आपके डोर ओपनर हो गया, पावर विंडो, ग्रैब हैंडल, स्पीकर, बोतल स्पेस की जगह। सो ये आपको मिल जाते हैं इसमें कर्टन, देख रहे दोस्तों आपको STK प्लस में आपको कर्टन मिलते हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर इसके इंटीरियर की बात करें, तो आपके सामने इसका इंटीरियर है, आप देख लीजिए किस टाइप का आपको इसमें इंटीरियर मिल जाएगा।
एंड अगर इसके इंटीरियर बहुत शानदार है। एंड दोस्तों अगर इसकी सीट की बात करें तो आपको इसमें बेंच टाइप की सीट मिल जाएगी एंड थाई सपोर्ट दोस्तों काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। सो इसके अगर आपको आर्म रेस्ट इसमें नहीं मिलता है एंड हेडरेस्ट की बात करें तो आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं। पीछे पार्सल ट्रे का ऑप्शन है। यहाँ दोस्तों आपको रीडिंग लैंप्स दी गई है हैलोजन बल्ब के साथ। ये दोस्तों आपका हो गया ग्रैब हैंडल। पीछे आते हैं दोस्तों तो आपको मिल जाते हैं इसमें एसी वेंट्स एंड नीचे दोस्तों उसी के जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। सो इस टाइप का इसका इंटीरियर रहेगा, काफ़ी शानदार लगता है इंटीरियर देखने में। ड्राइवर साइड गेट की आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ दोस्तों आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर। गेट ओपन करते हैं, ब्लैक कलर का आपको इसमें गेट मिल जाएगा। यहाँ आपके डोर ओपनर हो गए, टूटर की प्लेसमेंट एंड यहीं दोस्तों आपके पूरे पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए, स्पीकर, बोतल स्पेस एंड ये आपका हो गया हैंडल। सीट हाइट एडजस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा एंड ये आपका मैनुअल वेरिएंट है जो आपका पेट्रोल में आता है। इंटीरियर कुछ इस टाइप से रहेगा इस गाड़ी का। एयर बैग की बैजिंग मिल जाती है। सो दोस्तों इस गाड़ी में अब आते हैं आपके पास 6 एयर बैग्स एंड सेफ्टी में दोस्तों काफ़ी अच्छा है एंड चारों डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी आप दोस्तों इसमें आता है जो कि अब कंपलसरी कर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल नॉर्मल सा आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इसमें आपको लेदर रैप नहीं मिलेगा, बीच में दोस्तों आपको किया का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो आपको दोस्तों टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको दोस्तों क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाए। दोस्तों क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको इसमें क्लस्टर मिल जाएगा। इधर आपको दोस्तों आरपीएम मीटर, इधर आपको स्पीडोमीटर, बीच में आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपका फ्यूल वगैरह सब कुछ शो करता रहेगा। इंजन स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है। ये दोस्तों अब इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आने लगा है एंड दोस्तों ये आपका हो गया आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन। यहाँ दोस्तों आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन हो गया, ये आपका हेडलाइट लैम्प हो गया दोस्तों। यहाँ आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट दी गई है। सो दोस्तों अब ये BS6 के सेकंड फेज में है एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो ये कि देख रहे हो लाइट, ये दोस्तों अब आपको बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप चाहे इसका बेस मॉडल लें चाहे टॉप मॉडल लें, आपको ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप अब BS6 के सेकंड फेज में कंपलसरी कर दिया गया है कोई सेफ्टी रीजन के कारण से, जो भी रहेगा कंपनी जाने। एंड अगर इसके दोस्तों डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी शानदार सा इसका डैशबोर्ड लगता है एंड अगर टच स्क्रीन की बात करें तो आपको इसमें 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाए। यहीं दोस्तों बाकी आपको इसके वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल्स दिए गए। ये आपकी एसी वेंट की प्लेसमेंट है एंड ये आपका हजार्ड लाइट का ऑप्शन है एंड यहीं दोस्तों आप देख सकते हो ये आपके सिल्वर पार्ट का दिया गया है कम्प्लीट। सो यहाँ आते हैं आपको दोस्तों, आप 14.5 लाख रुपये फूक रहे हैं या आप कंपनी को दे रहे हैं उसके बाद ही दोस्तों आपको उसमें मैनुअल एसी मिल रहा है तो थोड़ा सा किया को उसमें काम करना चाहिए एंड एटलीस्ट अब अगर आप 13.5-14 लाख रुपए दे रहे हो कंपनी को तो कम से कम ऑटोमेटिक एसी तो कंपनी आपको दे, ये तो आप उम्मीद कर सकते हो कंपनी से एक, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर किया को काम करना बहुत जरूरी है एंड अगर नीचे आते दोस्तों तो यहाँ आपको मोबाइल स्पेस मिल जाता है, यहाँ भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है यूएसबी का एंड एक फास्ट चार्जर सॉकेट मिल जाता है। यह आपका मैनुअल वेरिएंट रहेगा दोस्तों, 6 स्पीड मैनुअल वेरिएंट आपका रहेगा। सो ये आपका पूरा दोस्तों पियानो ब्लैक फिनिश में रहेगा। यहाँ आपको कप ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका आर्म रेस्ट एंड आर्म रेस्ट ओपन करते हैं तो स्पेस दोस्तों अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। यहाँ दोस्तों इसके पीछे आपका थोड़ा सा पार्ट रहेगा टेक्स्चर में, ये आपका ग्लव बॉक्स हो गया, काफ़ी अच्छा ग्लव बॉक्स है। एसी वेंट की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी दोस्तों देखने में। मिरर की बात करें तो आपको ये मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, इस पे भी थोड़ा सा किया को काम करना चाहिए, ये भी आपको ऑटोमेटिक कंपनी को देना चाहिए। यहाँ दोस्तों आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, ये आपके हो गए रीडिंग लैंप्स जो कि आपके हैलोजन बल्ब के साथ आता है। एंड सनवाइजर की बात करें तो आपको इसमें वैनिटी मिरर मिल जाएगा पैसेंजर साइड। यहाँ आते हैं दोस्तों तो यहाँ आपको कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है एंड सनरूफ तो दोस्तों इस वेरियंट में आती नहीं है। अगर इसका आप IMT वेरिएंट लेते हैं तो इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है। एंड जो दोस्तों सीट की बात करें तो सीट आपको नॉर्मल फैब्रिक में मिल जाती है, सो नॉर्मल सीट है, कोई लेदर सीट नहीं है, वेंटिलेटर सीट भी नहीं आती दोस्तों इसमें। सो कुछ इस टाइप का इसमें आपको रहेगा। इंटीरियर आप देख लीजिए। सो दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन बे की। सो आइए एक बार देखते हैं इंजन, कुछ इस टाइप का आपको इसमें इंजन बे मिल जाता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है एंड अच्छी तरीके से प्लेसमेंट की गई है। इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का आपको इसमें पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 4 सिलेंडर आता है एंड जो 115 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, वहीं 143 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है एंड बोनेट में दोस्तों आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलता है। सो कुछ इस टाइप का इसका आपका इंजन में रहेगा। सो दोस्तों इतना ही था आपकी किया सेल्टोस STK+ मैनुअल में आती जो पेट्रोल वेरिएंट है एंड ये दोस्तों BS6 का सेकंड फेज में है। सो काफ़ी अच्छी है गाड़ी देखने में। कलर आपका दोस्तों पर्टिकुलरली पर्ल वाइट के नाम से आता है एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।